बिहार भारत के वो भू भाग है जिसका बिना भारत के इतिहास की कल्पना भी नहीं किया जा सकता। कई लोग के लिए आजरत बिहार दुनिया के सबसे पुराना रहने वाला स्थानों में से एक है और इतिहास में सबसे महान राज्यों में से एक था। अभी का टाइम पर इसको सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन इसको गरीब राज्यों में से एक गिना जाता है। क्या आप जानते हैं कि बिहार भारत के उन कुछ स्थानों में से है जहां भारत के समृद्ध इतिहास के बारे में विस्तार से जाना जा सकता है। बिहार वो स्थान है जिसने चाणक्य जैसा अर्थशास्त्री, चंद्रगुप्त और अशोक जैसा राजा, बुद्ध और महावीर जैसा धर्म प्रवक्ता, आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक और शेरशाह जैसा शासक हमारा देश को दिया है। बिहार के पुराना नाम मगध था। 22 मार्च 1912 को इस राज्य का नाम बिहार रखा गया और इस दिन को बिहार दिवस हम बनाते हैं। इस राज्य कितना महान है इस इतिहास से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे हिंदू पुराण के अनुसार माता सीता बिहार में जन्म हुए थे और इस राज्य में बुद्ध धर्म और जैन धर्म इसी राज्य में से उत्पत्ति हुई है। बिहार में दुनिया के सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी है। बिहार में ही एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला लगाया जाता है। क्या आप जानते हैं हमारा देश में सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर बिहार से ही निकलते हैं, इसलिए IAS का फैक्ट्री बिहार को कहा जाता है। आज हम सब 2022 में है, हमारा पड़ोसी देश चाइना न्यू न्यू टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर रहा है, तो हम सब युवा पीढ़ी हमारे राज्य और हमारे देश के लिए हम कुछ ना कुछ योगदान करें। हमारा देश का महान राज्य के बारे में जान के आप कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट करें और लाइक करें, और मेरा चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।